हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह मेरा ब्रह्मा कमल है। मैंने इसे लीफ से प्रोपोगेट किया है। लीफ से कैसे प्रोपोगेट किया जाता है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आज मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। सोयल मिक्सचर पर मैंने लिया है 50% कम्पोस्ट। मैंने वर्मी कम्पोस्ट लिया है, आप चाहे तो काउडंग कम्पोस्ट भी ले सकते हैं। 20% कोकोपीट और मैंने 30% प्योर रिवर सैंड लिया है। थोड़ा सा राइस हस्क और थोड़ा सा गार्डन सोयल। इन सब चीजों को मिलाने के बाद मुझे अब बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन सोयल मिक्सचर मिल गया है। यह एक सेकुलेंट प्लांट है, तो इसके लिए हमें बहुत ही वेल ड्रेन सोयल चाहिए। पॉट के लिए मैंने 12 इंच का क्ले पॉट लिया है और इसका ड्रेनेज होल को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है किसी नुकीली चीज से। ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए सबसे पहले मैं ये ईंट के टुकड़े इस तरह से रख रही हूँ। उसके बाद कुछ कंकड़ पत्थर को मैं इस तरह से डाल रही हूँ ताकि ड्रेनेज होल काफी अच्छे से मेंटेन रहे। अब मैं इस पर मेरे गार्डन से निकले हुए कुछ सूखे हुए पत्तों को इस तरह से रख रही हूँ। ये जैसे जैसे सड़ते जाएगा वैसे वैसे लीफ मोल्ड कंपोस्ट अपने आप ही बनते जाएगा और इसके साथ साथ ये ड्रेनेज सिस्टम को भी काफी अच्छे से मेंटेन रखेगा। अब मैं इस पर सोइल मिक्सचर डालती हूँ। मोर देन 50% सोइल मिक्सचर इस पर डालना है फ्रेंड्स। मोर देन 50% सोइल मिक्सचर डालने के बाद इसे हाथ से इस तरह से प्रेस करना है ताकि अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। अब हम इस पर वाटरिंग करेंगे क्योंकि ड्राई सोइल पर प्लांट नहीं लगाया जाता। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह से कम समय में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कितना जल्दी जल्दी वाटर ड्रेन आउट हो गया है। अब हम इसे पॉलीबैग से बाहर निकालेंगे। देखते हैं रूट्स कितना ग्रो हुआ है। रूट्स तो काफी अच्छे से ग्रो किया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसके नीचे भी पहले मैंने ये सूखे हुए पत्ते डाला था, ये देखिए। अब हम इसे पॉट पर इस तरह से रखेंगे और मिट्टी को थोड़ा सा लूज करेंगे ताकि इसके रूट्स जो है चारों तरफ आसानी से फैल सके। सोयल मिक्सचर को ऐड करते करते हम फिंगर की मदद से इस तरह से मिट्टी को प्रेस भी करते रहेंगे सोयल मिक्सचर को, नहीं तो फिर एयर बबल्स रह जाएगा तो फ्रेंड्स फिर हमारा प्लांट ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए अच्छी तरह से प्रेस करना है। उसके बाद हम दोबारा इस पर वाटरिंग करेंगे। अब मैं इसे 2-3 दिन तक ब्राइट एरिया में रखूंगी। उसके बाद किसी ऐसी जगह पर रखूंगी जहां पर सुबह की सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती हो। इसे कड़क धूप में ना रखें और ये क्योंकि सेकुलेंट प्लांट है तो पानी का खास ख्याल रखें। ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही इस पर वाटरिंग करें।